इनवॉइस एंड प्रिंट करने के लिए इनवॉइस एंट्री के बाद पी प्रिंट बटन क्लिक करें। वाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया हुआ कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इनवॉइस प्रिंट होगा। इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का स्टेप्स हमने बाद में बताया है। इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस सेट करने के लिए वाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा। इन ऑप्शंस में से जनरल आइटम डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स का ऑप्शन नॉर्मल इनवॉइस प्रिंटिंग के जैसा है, जो कि हम उस संदर्भ के वीडियो में व्याख्या किया है। जीएसटी स्टैट्यूटरी डिटेल स्क्रीन में जीएसटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने का ऑप्शन है। इनवॉइस में जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है उसमें यस टाइप करें, अन्यथा नो टाइप करें। सेल्स इनवॉइस प्रिंटिंग एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अलावा एडवांस्ड सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। एडवांस्ड सेल्स इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के मेजरमेंट्स, जनरल आइटम डिटेल सेक्शन ऑप्शन दूसरे वीडियो में व्याख्या किए गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन इनवॉइस में प्रिंट करना है उसमें यस टाइप करें, अन्यथा नो टाइप करें।